कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। वो आज शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे, साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। किसानों ने रविवार को कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग कर ये फैसला लिया था। किसान नेताओं ने कहा है कि आंदोलन के संबंध में जो भी फैसला कुंडली बॉर्डर पर होगा वही आखिरी फैसला माना जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों की भूख हड़ताल का समर्थन देते हुए कहा कि वह खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी भूख हड़ताल करने की अपील की है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास को नौटंकी बताया है। देशव्यापी किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ का भी साथ मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ किसान संघ अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जिसमें सीपीआई और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इस आंदोलन में समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होगी और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों की मांग है कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसान विरोधी है। और इसी पर सारे जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, पहले छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध कर रही थी पर अब संगठन भी इसके समर्थन में उतर आए हैं, वो छत्तीसगढ़ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर ये कि छत्तीसगढ़ में किसानों में उतना आक्रोश नहीं देखा जा रहा जितना की राजनीतिक पार्टियों में। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के किसानों में उतना ज्यादा आक्रोश नहीं देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पहले ही सरकार में आते ही सत्ता में आते ही उन्होंने किसानों के कर्ज को माफ किया था और उसके बाद अभी 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी जो है वो की जा रही है। तो तमाम यहाँ पर भूपेश सरकार है वो हमेशा से ही किसानों के हित में फैसला लेते आ रही है। वही छत्तीसगढ़ में देशव्यापी आंदोलन का समर्थन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों के द्वारा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 25 से ज्यादा ऐसे किसान संगठन हैं जो यहाँ पर देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही ये प्रदर्शन रायपुर के ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा और रायपुर के साथ ही यहाँ राजधानी रायपुर में श्रमिक यूनियन संगठनों के द्वारा रिलायंस मॉल का घेराव भी किया जाएगा। श्रमिक यूनियन संगठनों की ये मांग है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सरकारी संसाधनों का निजीकरण कर रही है उसे वापस ले और इसके साथ ही तमाम जो सरकारी संसाधन है उसे एक बार फिर से जो है उसका जो निजीकरण कर रही है उसका लगातार यहाँ पर पहले भी विरोध होता रहा है और आज भी इसका विरोध होगा। वही छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों की बात की जाए तो वो जगह जगह रास्ते रोके जाएंगे, रेल रोके जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ ही रेल रास्ते रोकने के साथ ही वो पुतला भी जलाएंगे, केंद्र की मोदी सरकार की पुतला भी जलाएंगे और रायपुर के काफी सारे ऐसे रायपुर के बाहर भी छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर इन लोगों का प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के साथ यहाँ पर अनोखे तरीके से भी प्रदर्शन किया जाएगा, श्रृंखलाएं बनाई जाएंगी, श्रृंखलाएं के साथ ही यहाँ पर मोदी सरकार का पुतला जलाया जाएगा, कृषि कानून के वापस लेने की मांग की जाएगी। बिल्कुल, और लगातार मांग की जा रही है पर केंद्र सरकार ने भी यहाँ साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।